गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड. द स्टोरी वी हैव कंप्लीटेड. सो टुडे वी विल बी डूइंग द कॉम्प्रिहेंशन, द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइजेस. बिफोर वी डू द एक्सरसाइज, लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन यू द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. सो दे आर द न्यू वर्ड्स विच विल बी लाइक न्यू टू यू एंड देयर मीनिंग्स. सो द फर्स्ट वर्ड हेयर इन द बॉक्स इज scuttling. Scuttling means running hurriedly or secretly with a short quick steps. So someone जो तेज़ी से दौड़ रहा है और जल्दीबाजी में छोटे छोटे कदम लेते हुए, उसको बोलते हैं scuttling. So in this story the rabbit was scuttling. The next word is clutching. Clutching means holding tightly. To clutch something is to अच्छे से पंजों से पकड़ के रखना, हाथों की गिरफ्त में अच्छे से पकड़ना, टाइटली पकड़ना, दैट इज़ क्लचिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज़ मटरिंग. मटरिंग इज़ टू से इन अ वॉइस दैट कैन हार्डली बी हर्ड. जब फुसफुस आते हैं या धीरे धीरे एक दूसरे से विस्परिंग टाइप में बोलते हैं, जो अपने ही मन मन में बोल रहे हैं धीरे धीरे से, बट हार्डली, बहुत रेयरली वो किसी और को सुनाई देता है, तो उसे बोलते हैं मटरिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्यूरियस. क्यूरियस इज़ स्ट्रेंज. सो शी वॉज क्यूरियस. वैसे क्यूरियस का मतलब होता है जब किसी कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, बट हेयर इट इज़ इट मीन्स स्ट्रेंज, कुछ अजीबो गरीब, क्यूरियस. सो इट इज़ क्यूरियस. द नेक्स्ट वर्ड इज़ गैस्प्ड. गैस्प्ड इज़ टू से समथिंग वाइल कैचिंग वंस ब्रेथ. सो जब भारी सांस लेते हुए हम कुछ कहते हैं, सो दैट मीन्स गैस्प्ड. द अदर वर्ड इज़ क्राइड. सो क्राइड मीन्स, क्राइड के दो मीनिंग है. अदरवाइज नॉर्मल सेंस में क्राइड का होता है टू व्हेन समवन क्राइज, बट यहाँ मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी आई टोल्ड यू दैट हेयर क्राइड मीन्स टू शाउट. तो इन इंग्लिश लैंग्वेज द वे इन द सेंस इट द सेंटेंस इन सेंटेंस द वर्ड इज़ यूज दैट द मीनिंग चेंजेस. सो हेयर क्राइड मीन्स टू शाउट लाउडली. देन वी गो टू द नेक्स्ट पेज. सो इन द नेक्स्ट पेज द word is curious. Curious here again, the last time when I told the meaning of curious was strange, but here in this page when curious is used, this word means eager to show or learn something. So kis kuch janne ki ichha rakhna, kuch janne ke liye you are very desperate, so it is curiosity, curious. So here the meaning changes, it changes according to the sentence. जैसे सेंटेंस होता है उस हिसाब से इंग्लिश में डिक्शनरी में वर्ड्स के कई मीनिंग्स होते हैं. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्क्वीज्ड. स्क्वीज्ड इज़ टू मैनेज टू गेट इनटू और थ्रू अ नैरो और रेस्ट्रिक्टेड स्पेस. मैनेज करके अपने आप को कोई रेस्ट्रिक्टेड, एक कोई छोटी सी जगह है उसमें स्क्वीज़ करके अपने आप को, स्क्वीज़ करना मतलब पिचका के अपने आप को किसी तरीके से घुसा के किसी नैरो स्पेस से लेके जाना, तो उसे बोलते हैं स्क्वीज़. सो स्क्वीज़ इज़ ऑलवेज जब किसी चीज़ को पिचकाते हैं, वैन वी स्क्वीज़ द बॉटल, किसी बॉटल को स्क्वीज़ करते हैं. सो वैन वी स्क्वीज़ अ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को जब हम लगाने जाते हैं तो स्क्वीज़ करते हैं. सो अपने आप को मैनेज करना, हेयर इट मीन्स वैन शी मैनेज हरसेल्फ थ्रू आउट द होल. जैसे वो होल से गई थी तो शी स्क्वीज़ हरसेल्फ, उसने अपने आप को एडजस्ट किया था. द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज़ बलून्ड. बलून्ड इज़ टू स्वेल आउट इन अ स्फेरिकल शेप. किसी भी चीज़ का अचानक गोल बन जाना, स्फेयर टाइप की शेप में, गोल शेप में, आकार में बनने को बलून बोलते हैं. बिकॉज व्हेन शी वाज फ्लोटिंग इन द एयर हर फ्रॉक वाज बलून्ड. उसकी फ्रॉक हवा के प्रेशर से बलून जैसी हो गई थी, लाइक अ पैराशूट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इट सेल्फ इज़ पैराशूट. पैराशूट इज़ अ डिवाइस लाइक अम्ब्रेला. सो वेन एवर पैराग्राइडर्स एंड पैराट्रूपर्स दे फॉल फ्रॉम एयर, जब अपने आप का जंप लगाते हैं, सो दे टेक अ पैराशूट, जिससे हम आसमान से नीचे उतर सकते हैं. सो वी लैंड वेरी सेफली विद द हेल्प ऑफ पैराशूट. सो दीज वर द वर्ड्स हेयर इन दिस पेज. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज. इन द नेक्स्ट पेज इन द बॉक्स इट इज़ रिटन ट्यूनिक. ट्यूनिक इज़ अ शॉर्ट कोट. सो देर आर मेनी काइंड ऑफ कोट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कोट्स. अ शॉर्ट कोट इज़ नोन एज ट्यूनिक. Now the next word is rough. Rough is a kind of collar. When people wear coat and formal dressing, so they wear many kinds of ties and collars. So rough is a kind of collar. Then the next word is bursting. Bursting is to be so full as almost to break open. So burst मतलब फूट जाना, मतलब कुछ चीज़ से इतना भर जाना कि वो फट जाए या फूट जाए. सो दैट मीन्स बर्स्टिंग. एंड व्हेन यू द परफेक्ट एग्जांपल इज़ व्हेन वी फिल एयर इन अ बलून. सो बलून एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर ज़्यादा एयर भर जाती है तो क्या हो जाता है, इट बर्स्ट्स. सो फट जाता है. सो दिस इज़ द मीनिंग.
Now the next word is poked. Poked is stuck out. To stuck out. कहीं किसी चीज़ से बाहर निकल आना, उसे बोलते हैं stuck out. कहीं से फंस के बाहर निकल आना, that means poked. Then here in this page these words are finished and now we'll move to the next page. In the next page there are two words we can see here. First is stretched. Stretched means extended. When किसी चीज़ को खींच दिया जाता है, so we say it is stretched. And the next word is fluttered. Fluttered is to fly unsteadily by flapping the wings quickly and tightly. So here in the story we saw that the butterfly fluttered. So she was taking, when the wings are very small, they make repeated actions and by flapping the wings, fluttering happens. So this is the meaning of fluttered. So now our difficult words and their meanings we have done. And what you have to do, you have to write the name of the chapter as you write it always with the date and the name of the chapter. Then you will write the difficult words and you will write their meanings also. So children, these words will be coming in exams also, in tests also we will be asking. So you should know the meaning of these words. Now we move to the comprehension part. So there are basically question and answer. So in this video I'll just explain you question answers and rest of the exercise I'll explain you in a separate video. So the first question here, on the basis of the story which we have read, they have asked just the questions. So the first question is, what were Alice and Dina doing one summer day? Alice और दिना एक दिन समर के दिन पे, एक गर्मी के दिन पे वो लोग क्या कर रहे थे? तो आंसर विल बी, वन समर्स डे एलिस एंड हर किटन दिना वर सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. वन समर डे एलिस और दिना ब्रांच के ट्री में, ट्री जो है ट्री के ब्रांच में दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट डिड एलिस सी एज शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री? जैसे ही एलिस ट्री से उतरी, उसने क्या देखा? तो उसका आंसर है, एज एलिस गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कटलिंग अलोंग, फुल स्टॉप, ही वॉज क्लचिंग अ लार्ज वॉच. सो जैसे ही वो एलिस ट्री से उतरी, उसने एक वाइट रैबिट देखा, ही वॉज स्कटलिंग अलोंग, ही वॉज रनिंग एंड ही वॉज क्लचिंग अ लार्ज वॉच. उसके हाथ में एक लार्ज वॉच थी. So children, you have to just listen to the explanation. I'll be providing you the screenshots of the notes so that you can copy it properly. Now the next question, third question is, where did Alice's curiosity lead her? So Alice की जो curiosity थी, जानने की कुछ इच्छा थी, उसने उसको कहाँ lead किया, वो कहाँ उसको लेके कहाँ गई? So the answer will be, Alice's curiosity led her to a large hole at the foot of a tree, full stop. Then she squeezed into it and crawled after the white rabbit and fell into a tunnel and reached a long corridor. So Alice की जो curiosity है, वो उसको एक बड़े से hole के वहाँ लेके चले गई, जो कि ट्री के एक पेड़ के फुट पे था, नीचे था, होल था, और उसने अपने आप को स्क्वीज़ किया और वो अपने आप को क्रॉल करते हुए वाइट रैबिट के पीछे गई. देन शी फेल इनटू अ टनल, वो एक टनल में गिरी, अलोंग द कॉरिडोर तक पहुंची. सो दिस वाज इन रिटन इन वन ऑफ द पैराग्राफ्स व्हेन एलिस फेल इनटू अ टनल. सो इसका ये पूरा डिस्क्रिप्शन वील राइट लाइक दैट ओनली. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द डोर नॉब्स रिएक्शन? So do you remember when she touches the doorknob, what was the doorknob's reaction? The doorknob cried eek. Doorknob chillaya, kya awaaz aayi? Eek. And it was speaking. But we'll write just two sentences. The doorknob cried eek. It was speaking. Doorknob jo tha, darwaze ka jo knob tha, wo chillaya, usne bola eek and it was speaking. Now the next question is, whom did Alice meet at the forest? एलिस फॉरेस्ट में किससे मिली? एलिस मेट टू फैट लिटिल मैन, ट्विडलडी एंड ट्विडलडम एट द फॉरेस्ट. सो टू लिटिल फैट मैन वर देयर होम एलिस मेट एंड द नेम ऑफ द दोज टू फैट लिटिल मैन वर ट्विडलडी एंड ट्विडलडम. नाउ वी मूव टू द सिक्स क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर एलिस एट द बिस्किट फ्रॉम द जार? जब एलिस ने जार से बिस्किट खाया तो क्या हुआ? So the answer will be, Alice started to grow and grow. Soon she was so big that she was bursting out of the house.
Her arms poked through the windows and her legs burst out of the door. सो एलिस धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि सून जल्दी ही वो इतनी बड़ी हो गई कि शी वॉज़ बर्स्टिंग आउट ऑफ द हाउस. वो हाउस से ही मतलब उसके हाथ पैर इतने बड़े हो गए कि वो हाउस तोड़ के ही निकल पड़े. एंड हर आर्म्स पोक थ्रू द विंडोज़, वो विंडोज़ को छोड़ते हुए विंडोज़ के अंदर से निकलती हुई वो बाहर आ गई. एंड लेग्स बर्स्ट आउट ऑफ द डोर, और डोर के बाहर डोर को तोड़ते हुए वो लेग्स भी उसके बाहर को आ गए. सो शी ग्रू वेरी बिग, वो बहुत बड़ी हो चुकी थी. एंड द सेवेंथ क्वेश्चन इज़ हाउ डिड शी स्टार्ट श्रिंकिंग. अब नाउ व्हेन शी हैज़ बिकम वेरी बिग लेटर ऑन, हाउ डिड शी स्टार्ट श्रिंकिंग. वो छोटी कैसे हुई, श्रिंक होना जब साइज में धीरे धीरे सिकुड़ जाना, उसको बोलते हैं श्रिंकिंग. सो आफ्टर ईटिंग द कैरेट एलिस स्टार्टेड श्रिंकिंग. तो इसका आंसर इतना ही होगा कि जैसे ही एलिस ने कैरेट खाया, कैरेट को गाजर को खाया, सो एलिस स्टार्टेड श्रिंकिंग, एलिस श्रिंक होने लगी. द लास्ट क्वेश्चन इज वॉट एडवाइस डिड द बटरफ्लाई गिव एलिस. बटरफ्लाई ने एलिस को क्या एडवाइस दी. सो द बटरफ्लाई एडवाइज एलिस पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मशरूम दैट वन साइड ऑफ द मशरूम विल मेक हर टॉलर एंड द अदर साइड विल मेक हर शॉर्टर. उसने ये एडवाइस दी मशरूम दिखाते हुए बटरफ्लाई ने कि ये मशरूम का एक साइड जो है उसको खा के आप बहुत ज़्यादा टॉलर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाओगे, और दूसरी साइड को खा के आप शॉर्टर हो जाओगे, छोटे हो जाओगे. सो दिस वॉज द एडवाइस गिवन बाय द बटरफ्लाई. So today we'll be doing this much, and tomorrow, because since the video should not be too long, so tomorrow I'll explain you and I'll make you understand the other concepts, like the other part of the exercise, and we'll do the language structure also. So I hope you all understood this, and you can read it and you can write it separately in your notebook, for which I'll be providing you notes. Thank you and have a nice day.